हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रत्यय चौधरी और मैं आज वापस आ गया हूं एक और वीडियो लेके। यहां पे पार्ट 3 रीडिंग एक्सरसाइजेस को लेके हम बात करेंगे। दिस इज अबाउट फास्ट रीडिंग, सो आई होप यू विल ऑल एंजॉय दिस। आज हम यहां पे फास्ट रीडिंग के बारे में बात करने वाले हैं। पार्ट 2 मीडियम स्पीड रीडिंग थी। आई होप आप सब लोगों ने उसको देखा होगा, उसको यूज किया होगा और अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। आज हम फास्ट रीडिंग के बारे में बात करेंगे, सो लेट्स बिगिन। उससे पहले प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर कंटेंट। इसको वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे तो इसको शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जिन जिन लोगों को आपको अगर पता है कि थोड़ी सी बोलने में दिक्कत है या स्पीच इम्पेडिमेंट्स है, उनके साथ उसको जरूर शेयर कीजिए। सो लेट अस मूव। सो हु शुड डू फास्ट रीडिंग प्रैक्टिस, वो कौन लोग हैं जिनके लिए ये बना है? पीपल हु वॉन्ट टू इम्प्रूव देयर फ्लुएंसी क्विकली। ये एक बेसिकली एक बहुत ही हाई इंटेंसिटी प्रैक्टिस है जो कि आपकी फ्लुएंसी को फटाफट इम्प्रूव करेगा। जिनको इम्प्रूव करना है फ्लुएंसी को फटाफट, जिनको बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना है अपने आप को। पीपल हु वॉन्ट टू सी क्विक रिजल्ट, हाई इंटेंसिटी प्रैक्टिस, बिकॉज इसमें आपको रिजल्ट काफी फटाफट मिल जाएंगे। अगर आप 2-3 दिन करेंगे आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिलेंगे। ऑब्वियसली वो टेम्पररी होंगे, उसको परमानेंट बनाने के लिए आपको बाहर की प्रैक्टिस, आपको कंसिस्टेंसी के साथ इसकी प्रैक्टिस अकेले में वो सब करनी पड़ेगी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली दिस इज अ हाई इंटेंसिटी प्रैक्टिस। हाई इंटेंसिटी प्रैक्टिस में क्या होता है कि आपको बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ती है फॉर शॉर्टर पीरियड्स ऑफ टाइम। पहले वाले में क्या था, मीडियम स्पीड रीडिंग कर रहे हैं, स्लो कर रहे हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा इंटेंसिटी नहीं है, बट इसमें इंटेंसिटी ज्यादा है। स्टैमलर्स हु सफर्स फ्रॉम सोशल एंग्जाइटी, देयर माउथ फ्रीजेस व्हाइल स्पीकिंग आउटसाइड। वो लोग जो सोशल एंग्जाइटी से पीड़ित हैं, जो बाहर जाते हैं लोगों से ठीक से बात नहीं कर पाते हैं और बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, उनके लिए फास्ट रीडिंग इज अ बून। ये बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा जब भी आप बाहर किसी एक बहुत ही नर्वस सिचुएशन में फंस जाते हैं, बहुत ही एक एंग्शियस सिचुएशन में फंस जाते हैं, वहां पे आपका मुंह, आपके फेशियल मसल्स एकदम फ्रीज हो जाते हैं, आपको समझ नहीं आता कि मैं कैसे करूंगा। ठीक है, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पीपल हु वॉन्ट फुल फेशियल एक्सरसाइज। फुल फेशियल एक्सरसाइज का मतलब आपके मुंह में बहुत सारे फेशियल मसल्स हैं जो आपको हेल्प करते हैं बात करने के लिए, आपको बेटर आर्टिकुलेशन देते हैं, है ना। आपका टंग भी उसका एक पार्ट है, आपका लिप्स भी उसका एक पार्ट है, लेकिन हम उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे, फेशियल मसल्स के बारे में और क्या कौन सी फेशियल एक्सरसाइजेस होती है। बट अभी के लिए आप ये ध्यान रखिए कि इससे आपकी फुल फेशियल एक्सरसाइज होती है। पीपल हु वॉन्ट टू हैव अ कमांड ओवर देयर स्पीकिंग स्टाइल। ये आपके आर्टिकुलेशन, आपकी फ्लुएंसी, आपका टोन एंड टेनर, आपका वॉइस मॉड्यूलेशन, सब चीज के लिए काम करता है। पीपल हु वॉन्ट बेटर आर्टिकुलेशन, फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स। लाइक आर्टिकुलेशन क्या होता है वो मैं आपको एक दूसरे वीडियो में वापस बताऊंगा, बट अभी के लिए आप ये जान के रखिए कि आर्टिकुलेशन का मतलब होता है कि बेसिकली आप जिस वर्ड को बना रहे हैं, जिसको बोल रहे हैं, उसको कितने ढंग से आप बोल रहे हैं, कितने अच्छे से वो प्रेजेंट कर पा रहे हैं, है ना। क्लैरिटी ऑफ स्पीच और वगैरह वो बहुत सारी चीजें होती हैं। सो कैसे करना है फास्ट रीडिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट है ना भाई। हमें अगर यही नहीं समझ आया कि कैसे करेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। तो पहला है कि ये बहुत आसान सा एक प्रोसेस है, इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है। जो आप लोगों ने पहले वाली जो मैंने एक्सरसाइजेस बताई थी वैसा ही है, बट द ओनली डिफरेंस इज यू हैव टू डू इट विद अ लॉट मोर इंटेंसिटी। वो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे। सो द फर्स्ट स्टेप इज टेक अ डीप ब्रेथ फ्रॉम योर बेली। आपको मैंने बेली ब्रीदिंग के बारे में लास्ट वीडियो में बताया था, आपको वही फॉलो करना है। उसको पेट से सांस लेके यू हैव टू स्टार्ट स्पीकिंग। टेक द रीडिंग टेक्स्ट एंड डू नॉट होल्ड बैक योरसेल्फ। नाउ इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आप जब कोई भी टेक्स्ट उठाएंगे, वो आपका मैगजीन हो सकता है, न्यूज़पेपर हो सकता है, कोई मतलब ब्रोशर हो सकता है, पैम्फलेट हो सकता है, स्कूल की किताबें, कॉलेज की किताबें, ऑफिस का फाइल, कुछ भी, एनीथिंग, आप उसमें पूरा जी जान लगाएंगे, आप उसमें इंटेंसिटी के साथ करेंगे। वो कैसे करेंगे वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। स्टार्ट रीडिंग इट एट अ फास्ट पेस विदाउट एनी बॉदरेशन अबाउट द क्वालिटी ऑफ स्पीच यू आर स्पीकिंग। शब्द कितने क्लियरली बोल पा रहे हैं फास्ट रीडिंग में, इसका ध्यान नहीं रखना है, बिल्कुल नहीं रखना है आपको, जस्ट फास्ट स्पीड में बात करनी है। इन दिस प्रैक्टिस क्लैरिटी ऑफ स्पीच इज नॉट अ कंसर्न। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। क्लैरिटी ऑफ स्पीच इज नॉट अ कंसर्न। यहाँ पे आप क्लैरिटी ऑफ स्पीच को लेके कंसर्न नहीं है, आप जस्ट अपने वॉइस आर्टिकुलेशन, उनकी फेशियल मसल्स का सिंक्रोनाइजेशन और बेटर प्रोनाउंसिएशन एंड आर्टिकुलेशन को लेके ही चिंतित हैं, आप क्लैरिटी ऑफ स्पीच को लेके नहीं सोचेंगे। एंड सिक्स स्टेप इज रीड द टेक्स्ट वेरी फास्ट, इट शुड नॉट अपियर स्लो और मॉडरेट। नाउ स्लो और मॉडरेट का मतलब बहुत ज्यादा धीरे बात नहीं करनी, जैसे पहले वाले में हम लोग बता रहे थे ना कि स्लोली बात करना है, मॉडरेटली बात करना है, इसमें ऐसा नहीं होता, ठीक है, इसमें फास्ट बात करनी है।
तो बहुत हो गई ये सब बातें कि कैसे करना है क्या करना है, अब हम एक्चुअली करेंगे, ठीक है। नाउ द थिंग इज, मैं इसमें आपको जो एक प्रैक्टिस मैं कराऊंगा, ये जो पूरा एक टेक्स्ट है ये मैंने न्यूज़पेपर से लिया है, ठीक है। नाउ न्यूज़पेपर से मैंने इसको लिया है, सो आई विल बी रीडिंग दिस इन फ्रंट ऑफ यू टू गिव यू अ सिंपली टेस्ट ऑफ व्हाट इज टू कम नेक्स्ट। तो आप लोग इसको, कोई भी आपके पास कोई टेक्स्ट हो, आपके घर में मैगजीन हो, बुक्स हो, कुछ भी हो, एनीथिंग, न्यूज़पेपर हो, कुछ भी हो, उसमें कोई भी एक पोर्शन उठा लीजिए, उसमें आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। नाउ आई विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर, ठीक है। बिटवीन फरवरी 2021 से मैं शुरू करूंगा। ध्यान से सुनिएगा कि मैं कैसे पढ़ रहा हूँ। बिटवीन फरवरी 2021 एंड 2022 द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी लर्न टू हैव इशूड 10 ब्लॉकिंग ऑर्डर्स टू ट्विटर डायरेक्टिंग द कंपनी टू टेक डाउन ओवर 1400 अकाउंट्स एंड मेथड टू द सेकंड एक्सटेंड ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 एज मूव द कर्नाटक हाई कोर्ट सीन टू वॉच ब्लॉकिंग ऑर्डर्स ऑफ द इंडियन फॉल्ट लिंक्स ब्लैक बाय द मिनिस्ट्री अकॉर्डिंग टू द पिटीशन फाइल बाय द सोशल मीडिया जायंट ट्विटर हैज ऑल्डो द कॉल डिटेल्स अबाउट द अकाउंट्स एंड ट्वीट्स दैट वर ऑर्डर्ड बाय द मिनिस्ट्री टू बी टेकन डाउन हैव बीन सबमिटेड the board by Twitter and the C-level of 69A. Orders are supposed to be kept confidential. The company also said after it received non-compliance notice by the ministry to pick up in the coming months as the Reserve Bank decision to relax the norms governing the foreign currency non-resident bank FC, NRB and non-resident external deposit is expected to arrest outflows from the NRE account and bring more inflows. Interest rates on NRE deposits are expected to rise in the wake of the RBI measure. Total NRE deposit had declined to $139.02 billion in FY22 from $141.89 billion in the previous year. NRE deposits account for the major chunk of NRE deposit with an outstanding of Vietnam billion down from $102.57 million a year ago. Amid expression of a higher yield to customers, said Shyam Mani, head SME and NRI Bank, CSB Bank, State Bank, NRE deposit rate in the 1 year to 2 year bucket is currently 5.3% in a scenario where the NRI deposit have declined sharply in the last financial year. This initiative by the RBI will lead to higher fortis inflows and bigger deposit growth for the bank. Money said we can review will also mean more to people for the NRI customers. Ye अगर आप लोगों ने ध्यान से सुना हो, मैंने इसमें क्वालिटी ऑफ स्पीच या क्लैरिटी ऑफ स्पीच को लेके बिल्कुल भी बात नहीं की है। मैंने जस्ट फुल स्पीड में इसको पढ़ा है। आपको बात सामने वाले को कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसको लेके आपको नहीं सोचना है। एंड सेकेंडली, ये एक्सरसाइजेस आपको लोगों के सामने नहीं करना है, ठीक है। लोगों के सामने बिल्कुल नहीं करना है, ये आपको अकेले में करना है। जब आप अकेले में रूम में बैठे होंगे, प्रैक्टिस करोगे, सिर्फ उसी टाइम आपको करना है। तो लोगों के सामने ये सब नहीं करना है, बट क्लैरिटी ऑफ स्पीच को लेकर आपको बॉदर नहीं होना है। Do this exercise and this will transform your overall speaking skills. ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इसके अलावा भी बहुत सारे आर्टिकुलेशन एक्सरसाइजेस हैं, रीडिंग एक्सरसाइजेस हैं, जो मैं बताऊंगा धीरे धीरे। फॉर दिस यू नीड टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल सो दैट आई कैन शेयर मोर इन्फॉर्मेशन विद यू। बट इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस कीजिए, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको फायदा मिलेगा, अदरवाइज इट्स ऑल अ वेस्ट ऑफ टाइम। ओके, जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए और मिनिमम 15 to 20 minutes हर रोज कीजिए, ठीक है। 20 मिनट्स इसको कीजिए हर रोज, क्योंकि अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ इसको नहीं करेंगे तो मुश्किल हो जाएगी। अगर 20 मिनट ज्यादा लग रहा है, कम से कम 6-7 मिनट ही करो, बट करो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए, वीडियोस को बार बार देखते रहिए। कुछ समझ में ना आए या कोई सजेशन चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, सो दैट आई कैन हेल्प यू आउट। गुड बाय, टेक केयर एंड प्रैक्टिस वेल।